Hi friends, how are you? Myself Avik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So today we will discuss a very important topic from the three-dimensional geometry, and that is plane. And from the plane, one very small concept is there, and that is the intercepting form of a plane. And so far I remember, you had got the same concept, the intercepting form of a straight line in class 11. The same thing will be happening in this concept also, intercepting form of the plane. The concept will be like that. Thus, since like your intercepting form of the straight line, there is not the new concept. It is very old concept. Okay. In this intercepting form of the straight line, just remember one thing. You will have three axes. Okay. Just like that. Three axes. That's it. ठीक है मतलब एक ये ऐसा ऐसा होगा और काम करते हैं जस्ट यू कैन सी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस ओके जस्ट लाइक दिस ओके दिस लाइक दिस Okay, so it is your three-dimensional x-axis, y-axis, and there. And one plane, one surface is there, which intersects each and every axis. मतलब x-axis को भी कट करेगा, y-axis को भी कट करेगा, z-axis को भी कट करेगा. ऐसा तुम्हें प्लेन लेना है. और उसी प्लेन को, if you want to express this type of plane, then you can use intercepting form of a plane. If I draw a figure, just you can see, it is your x-axis, it is your y-axis, okay, and just, okay. Up, ये x ये y और ये z नाउ यू हैव टू कंसिडर वन प्लेन वन सरफेस जस्ट लाइक दैट ऐसे ऐसे थोड़ा इधर होगा ऐसे एंड देन ऐसा एक प्लेन होगा जो थ्री डायमेंशनल दैट मीन्स ऐसा रहेगा ठीक तो ये जो एक्सिस के ऊपर ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहा है ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स इसमें कोऑर्डिनेट क्या क्या होगा मुझे बोलो तो ए जीरो कॉमा जीरो इसमें पॉइंट क्या होगा ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जीरो कॉमा बी कॉमा जीरो और इसमें पॉइंट क्या होगा बोलो तो इसमें होगा जीरो कॉमा 0, C. So that means a plane which intersects each and every axis. Then three intersecting points will be there. And the formation of the points will be like that. A 0, 0, 0, B 0, 0, 0, C. Q, Y. अब जब कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है तो ऑब्वियसली y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट जीरो होगा अब कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा वाई का कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा है कि नहीं सिमिलरली अगर जेड एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो जेड का कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा बट एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कंफर्म जीरो होगा दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑन द एक्सिस बाय द प्लेन ये जो है प्लेन है ठीक है ना क्योंकि एक सरफेस है और सरफेस को यू कैन कंसिडर दिस जस्ट लाइक अ प्लेन ठीक है इट इज योर प्लेन कोई भी सरफेस यू कैन कंसिडर जस्ट लाइक अ प्लेन एम आई राइट तो ये आपका प्लेन होता है अब इसी प्लेन का इक्वेशन अगर आप कंसिडर करें कैसा होता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू वन ठीक है जैसे क्लास 11 में हम लोग को
ऐसा एक कॉन्सेप्ट मिला था, एक एक्सिस वाई और ऐसा एक स्ट्रेट लाइन। अगर ऐसा है, अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को कट करता है, तो ये पॉइंट होता है 0, b और ये पॉइंट होता है a, 0। एंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज व्हाट? x/a + y/b = 1। नाउ इट इज अ थ्री डायमेंशनल एक्सिस, दैट्स व्हाई z/c दिस पार्ट विल बी एक्सेप्ट। सो in this three-dimensional figure, if you want to express any intersecting form of the plane, then this plane must intersect x-axis, y-axis, and z-axis in the three different points respectively, a 0, 0, 0, b 0, and 0, 0, c. Then you can express the equation of the equation of the plane like that. ठीक है? तो यही आप यहाँ पर concept लिखेंगे. Concept आप क्या लिखेंगे? If a plane If a plane intersects if a plane intersects x, y, z axis, ये पॉइंट का नाम दे दो a, b, c, एक्सिस y से z एक्सिस x, a 0, 0, b 0, b 0 and c 0, 0, c. Then equation of the plane, equation of the plane x/a + y/b + z/c = 1। ये होता है एक प्लेन का फॉर्मेशन, उसको बोला जाता है इंटरसेप्टिंग फॉर्म ऑफ ए प्लेन। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? इंटरसेप्टिंग फॉर्म ऑफ ए प्लेन, इंटरसेप्टिंग। ठीक है, इंटरसेप्टिंग फॉर्म। ठीक है, तो जब भी आप देखेंगे कि कोई भी एक प्लेन है और कोई भी एक सरफेस अगर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों को कट कर रहा है, दैट मींस यू नीड टू यूज दिस फॉर्मेशन, इंटरसेप्टिंग फॉर्म ऑफ द प्लेन। ओके, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा क्वेश्चन, कौन सा प्लेन यहाँ पर इंटरसेप्टिंग फॉर्म में कंसिडर करना पड़ेगा? जस्ट लेट अस कंसिडर वन और टू क्वेश्चन। ओके, दैट विल बी बेटर। नाउ जैसे एक बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है क्वेश्चन यहाँ पर बेसिक लेवल है, यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखो, ए प्लेन मीट द कोऑर्डिनेट एक्सेस इन एबीसी सच दैट, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखो, नो एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन लिखो पहले, रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन लिखो, reduce the equation of a plane, plane का equation दिया गया है 2x + 3y - 4z equals to 12 into intersecting form. Intersecting form. ठीक है, intersecting form and find the intercepts on the coordinate axis and find intercepts. अब intercepts आपको निकालना है। intercepts का मतलब क्या होता है? ये जो x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के ऊपर जो ये जो लेंथ काटा गया ना, उसको इंटरसेप्ट बोला जाता है। ठीक है, दो टाइप का वर्ड होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड, इंटरसेक्ट एंड इंटरसेप्ट। व्हाट डू मीन बाय इंटरसेक्ट? इंटरसेक्ट मतलब किसी चीज को काटना, काट के एकदम खत्म कर दो, और इंटरसेप्ट मतलब है काटने के बाद, आफ्टर इंटरसेप्टिंग एनी पार्ट यू विल गेट सम पीसेस विद फिक्स्ड लेंथ। ठीक है ना, अब इस उंगली को अगर मैं काटूंगा तो कट के जो है ना, एक पार्ट जो है ना नीचे गिरेगा ना, उस पार्ट का कुछ लेंथ होगा। ठीक है ना,
काटने के बाद, तो उसको बोला जाता है इंटरसेप्ट, ओके इंटरसेप्ट। तो यही होता है इंटरसेप्ट, दैट मींस एक्स एक्सिस के ऊपर कितना काटा गया, वाई एक्सिस के ऊपर कितना काटा गया और जेड एक्सिस के ऊपर कितना काटा गया, उसका वैल्यू निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन प्लेन यहाँ पर है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। गिवन प्लेन, गिवन 2x प्लस 5y माइनस 4z इक्वल्स टू 12। नाउ इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस प्लेन इनटू इंटरसेक्टिंग फॉर्म, देन आई थिंक यू शुड हैव टेकन दिस वन इन द राइट हैंड साइड, देन आफ्टर दैट एंड फॉर दैट आई थिंक यू शुड डिवाइड द होल एक्सप्रेशन बाय 12। अब राइट साइड में तुम्हें 1 मिलना है तो पूरा इक्वेशन को तो 12 से डिवाइड करना ही है, हैं? उसके अलावा तो कोई रास्ता है आपके पास? मुझे तो नहीं लगता है आपके पास है। ठीक है ना, तो बाई 12 इक्वल्स टू 1। 1 क्यों है? 12 बाई 12 1 होता है। तो उसको अगर मैं कैंसिल करूं, कैंसिल करने के बाद देखो x बाई 6 प्लस y बाई 4 और इधर माइनस z बाई 3 इक्वल्स टू 1। नाउ यू कैन कंपेयर दिस फॉर्मेशन विथ दिस। I think in place of A, in place of B, and in place of C, whatever you have in this part, that will be the intercept length. Okay? So here, A equals to, ठीक है, यहाँ पर ठीक है, intercept A equals to क्या है? 6. B equals to 4. And c equals to, I think, minus 6. So intercept, क्या होगा? 6, 4 and minus 6. अब intercept का length तो कभी भी negative तो नहीं हो सकता है, ठीक है? इसका यहाँ पर intercept length आप 3 unit लिखेंगे, minus 3 नहीं लिखेंगे। हाँ, c का चलो minus 3 है, ये minus जो है ना, ये क्या denote कर रहा है? कि ये पॉजिटिव जेड एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये नेगेटिव जेड एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली वी आर अनेबल टू शो दिस नेगेटिव जेड एक्सिस ऑन दिस प्लेन पेपर। ओके, तो इसके लिए जस्ट यू कैन एज्यूम दिस इंटरसेप्ट लेंथ दैट वाज क्रिएटेड, दैट वाज मेड इन द नेगेटिव जेड एक्सिस। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस नेगेटिव साइन इज कमिंग माइनस 3। ठीक है, तो लेंथ तो 3 यूनिट होगा। ये माइनस साइन डिनोट करता है किसका? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर या फिर नेगेटिव एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पर देखो सी का वैल्यू माइनस 3 आ रहा है, दैट मींस ये जेड नेगेटिव जेड एक्सिस के ऊपर किसी ना किसी जगह 3 यूनिट कट कर रहा है। ठीक है, तो ये है इंटरसेप्ट लाइन, हो गया। फिर सिंपल क्वेश्चन, उसके बाद और एक क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा अभी एडवांस में जाएंगे। हाँ, क्वेश्चन है ए प्लेन meets the coordinate axis in ABC. A plane meets coordinate axis in ABC, right? Such that the centroid of ABC triangle, centroid of ABC triangle is the point P, U and R. ठीक है, शो दैट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, शो दैट इक्वेशन ऑफ द प्लेन का इक्वेशन आपको प्रूफ करना है। इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होगा? एक्स बाई पी प्लस वाई बाई क्यू प्लस जेड बाई आर इक्वल्स टू 3। यहाँ पर ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ना, उसको स्मॉल लेटर, ये कैपिटल लेटर नहीं होता है कभी भी पॉइंट का। ठीक है, तो यहाँ पर P, U, R, ठीक है,
तो आप सोल्यूशन में जाएंगे। तो सोल्यूशन क्या बता रहा है भाई यहाँ पर, क्या बता रहा है यहाँ पर, देखो फिगर तो वही होगा है, फिगर अगर आप ड्रॉ कर सकते, मतलब यहाँ पर ड्रॉ करना चाहते हैं तो यू कैन ड्रॉ द फिगर, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, फिर ये वाई एक्सिस और ये जेड। अब वही मतलब एक ऐसा, फिर ऐसा, ठीक है, और फिर तो ये होता है आपका, ये होता है आपका ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया एक्स एक्सिस को ए पॉइंट में, एक प्लेन है जो एक्स एक्सिस को ए पॉइंट में, वाई एक्सिस को बी पॉइंट में और जेड एक्सिस को सी पॉइंट में इंटरसेक्ट किया गया, एंड फॉर दैट वी आर गेटिंग द ट्रायंगल एबीसी। नाउ यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, बट रिमेंबर वन थिंग, इट इज जस्ट यू आर ड्रॉइंग दिस ट्रायंगल इन द थ्री डायमेंशनल फिगर, इन द थ्री डायमेंशनल एक्सिस, दैट्स व्हाई यू आर जस्ट सीइंग द वन साइड ऑफ दिस पार्ट। Basically, it is not the triangle, it is the pyramid. Okay, and the base of the pyramid is seems like triangle, and that's why you are dealing with the triangle. And the question is given in the form of triangle. Okay, here according to the base, ye base. Okay. अब यहाँ पर question है कि ये जो points हैं, ये हम लोग जानते हैं, ये points का coordinate क्या है? यहाँ पर लिखो left, left. In triangle ABC, in triangle A B C, in triangle ABC, A point क्या होगा? A zero zero, B point क्या होगा? Zero B zero, और C universal truth है, यही points निकलेगा, इस type का ही points निकलेगा, is not the new thing, okay? तो देखते हैं ये point, ये point, ये point हम लोगों को पता हो गया। Let left the equation, that the equation of the plane, यहाँ पर plane का equation अगर मैं assume करना चाहूँ, then which type of plane should be considered here? I think the intersecting form that you can see, this plane intersects the x-axis, y-axis, and z-axis, that's why you should consider the plane equation as y a plus y by b plus z by C equals to 1. It is your equation number 1. Okay? Right? Now, centroid of triangle ABC. अगर ABC का centroid आपको निकालना है, centroid का formula क्या होता है? Centroid का formula होता है कि sum of the three coordinates divided by 3. ठीक है, तो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, क्योंकि यहां पर पॉइंट तो दिया गया है, ए दिया नहीं गया है, जस्ट वी हैड कंसीडर दैट 0 0 0 बी 0 एंड 0 0 सी। नाउ इफ यू नो द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, देन हाउ कैन यू फाइंड द सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल, यहां पर सेंटर क्या कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स1 प्लस एक्स2 प्लस एक्स3 बाय 3, सेकेंड कोऑर्डिनेट है वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाय थ्री, देन जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री बाय थ्री। नाउ यू नो द कोऑर्डिनेट, आई थिंक फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है ना ए बाय थ्री होगा, फिर बी बाय थ्री, फिर सी बाय थ्री, ये है आपका सेंट्रेट का कोऑर्डिनेट, निकल गया सेंट्रेट का कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। यहाँ पर वैल्यूज जो है ना एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री यहाँ पर लिखा गया, देखो ये है x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3, and I think we had done this type of questions in class 11, in class 10. Serial wise, which that means whatever the points you have serially, okay, just you should consider x1, y1, x2, y2, and x3, y3 in that sequence, okay. So that's why we have considered x1, y1, z1, x2, y2, z2, and x3, y3, z3. A, B, C, serial wise, ठीक है, यहाँ पर बिठाओ, देखो ये पॉइंट। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रे भाई, यहाँ पर तो सेंट्रेट का कोऑर्डिनेट जो है ना क्वेश्चन में तो ये दिया गया है, ठीक है, ये दिया गया है ना,
तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो तो भाई ये लिख सकते हैं ना कि पी ए बाई पी, अरे हम लोगों ने सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट ये निकाला है, क्वेश्चन में ये दिया गया है, तो एक ही ट्रायंगल का दो दो सेंट्रोइड तो नहीं हो सकता है। ओके सो इफ दे हैड गिवन द सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट्स इन द क्वेश्चन, दिस मस्ट बी सेम विथ आवर कोऑर्डिनेट। ओके सो पी दिस एंड क्यू पी बाई थ्री एंड आर पी बाई थ्री। ओके तो यहां पर ए का वैल्यू देखो 3p, बी का वैल्यू देखो 3q एंड सी का वैल्यू देखो 3r। लो भाई निकल गया ए बी सी का वैल्यू। नाउ यू कैन रिप्लेस देयर वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फ्रॉम वन एक्स बाई 3p प्लस वाई बाई 3q, बिकॉज दैट वॉज आवर एजम्पशन नो, दिस दैट the plane was our assumption and we need to find the values of ABC here. Okay, so we had found this ABC values and we had replaced all the values of ABC, and after that I think you will get the proof as well. Okay, 3R equals to 1. So that means X by P plus Y by Q plus Z by R इक्वल्स थ्री को कॉमन लेके डायगोनली अगर राइट साइड के साथ मल्टीप्लाई करें देखो यही स्ट्रक्चर आ जाता है। नाउ यू हैव गॉट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस थिंग, व्हाट यू नीड टू फाइंड। ओके नाउ दैट इज प्रूव्ड। ओके वेरी गुड, हो गया हां। देखो कितना मतलब एकदम इजी क्वेश्चन है, ऐसा कोई यहाँ पर प्रॉब्लम तो है नहीं। ठीक है, अगर छोटा सा और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा एकदम, ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एकदम छोटा सा यहाँ पर लिखो, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, passing through the point, passing through the point, ठीक है, 2,4,6 and makes equal intercept, well intercept, ठीक है, equal intercept on the coordinate, on the, that means ये जो क्वेश्चन है ये इंटरसेप्टिंग फॉर्म ऑफ द प्लेन का ही है, बिकॉज यहाँ पर देखो यू कैन सी द स्ट्रक्चर, क्वेश्चन में इक्वल इंटरसेप्ट, दिस इंटरसेप्ट वर्ड इज यूज्ड एंड दैट्स व्हाई वी कैन कंसीडर द इक्वेशन ऑफ द प्लेन एज द इंटरसेप्टिंग फॉर्म ऑफ द प्लेन। लेट प्लेन, ठीक है, लेट प्लेन एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू वन, इक्वेशन नंबर 1। सिंस इक्वल इंटरसेप्ट्स तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अगर इंटरसेप्ट इक्वल है तो ए बी सी का वैल्यू सेम होगा, तो दैट मीन्स सो इक्वेशन तो इक्वेशन एक्स बाई ए प्लस वाई बाई ए प्लस जेड बाई ए इक्वल टू 1। नाउ इफ यू टेक द एलसीएम x plus y plus z equals to a. Now it is the equation number. So according to the question, this plane passing through the point 2,4,6. So likho, since this plane passing through the point, passing through the point
2, 4, 6. That means if any point is lying on the plane, then we can replace the coordinates in place of x, in place of y, and in place of z. So 2 + 4 + 6 = 8. यहाँ पर एक का वैल्यू क्या निकल गया भाई? एक का वैल्यू तो 12 है. अच्छा एडिशन थोड़ा देख लेना, एडिशन मुझे गलत पता है मेरा. एक का वैल्यू 12. सो फ्रॉम 2, सो फ्रॉम 2 फाइनली वी हैव गॉट द प्लेन इक्वेशन x plus y plus z equals 12. Now you have got the final result of the plane equation. So it is the way by which you can find the intercepting form of the straight line. Okay, so that's enough for today's lecture. And one very special announcement that I'm going to start the live classes for each and every class, class 12, class 11, and IIT JEE classes. Okay, so I think from tomorrow onwards, I will not upload any recorded video, and I will just conduct the live classes only. Because in the live classes, one-to-one interactions will be happening, and that will be very much useful for the students and for the teachers. Okay, because I have uploaded the recorded video, and I don't know whether you are getting, whether you are understanding properly or not, whether you are getting the concept properly or not. Okay, whether I am I am making you confident or not. Just that's why this live class is very important. One-to-one interaction. Okay, so I am going to start this live class very soon, and my broadband is set now. And today, just I will learn how this the live streaming can be done by using the different software or by using these things. I don't know, so I have to learn this. And that's why I'm taking time. And from tomorrow onwards, I will start the live classes as well. That will be very, very useful for your betterment. Okay, so thank you very much for joining my classes. And if you like my videos, then please subscribe, like, and share my channel. Thank you very much for joining my.